कान मिश्रा जी, निसार खान साहब, हमारे एडवोकेट एस के दुबे साहब, मुस्लिम भाई, हमारे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, सभी कारपोरेटर, एक अच्छे कारोबारी शरीफ आदमी, ऐसे हमारे मंत्री साहब, सूरत मंत्री साहब, इमरान खान साहब, हमारे हंस राज परमहंस भाई, अकरम खान साहब दिल्ली से हैदराबाद से चल कर आए हमारे दोस्त, दोस्तों और साथियों, भाइयों और बहनों, इस इलाके में पहले शायद जो नया जो इलाका डिवाइड हुआ है हमारे नगर सेवक से, दो बार नगर सेवक बने, लेकिन समाजवादी पार्टी की बातें लोगों तक पहुंचाना, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ अच्छी तरह से तालमेल करना उनको पसंद नहीं था। मैं जब टिकट देता हूं उस वक्त मैं शपथ लेता हूं कि जब भी मैं आपको 24 घंटे में जब भी मुझे आपसे बात करनी है तो मैक्सिमम 10 से 15 मिनट में मुझे आप अवेलेबल हो जाना चाहिए टेलीफोन पर बात करने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं भाग के आ जाइए, या तो मुझे वजह मालूम पड़ जाए कि भाई कहीं बाहर गए या अभी नहीं मिल सकते, कोई जरूरी काम है। मैंने अपने नगर सेवक को फोन किया जो पहले यहां से 25 फोन किया, एक अस्पताल में एक आदमी एडमिट करना था उसको और मुझे अपने नगर सेवक को उसके लिए वहां भेजना था, 25 फोन किया, फोन उठाने को तैयार नहीं। हार के अपने मालिक को फोन किया, असलम भाई मैं ढूंढ रहा हूं कहां है, क्या मेरे बगलिए तो बैठा है, मैं तो फोन आता था भैया, मैं तो फोन किया रहा था, कहा गलती हो गई। मैं ये काम सम्मान के लिए करता हूं, अपमान के लिए नहीं करता। बिल्डर फोन कर रहा है, आसिम भाई आपने इंप्रूवमेंट कमेटी में जिसको मेंबर बनाया है वो मेरे बिल्डिंग के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कर रहा है। मना कर रहा भाई मत करो यार कंप्लेन, अपना काम करो भाई, उगाही करने के लिए पैसा लेटर लिख दो, पैसा मंगा लो। खुदा की कसम कुर्ला वालों, मैं राजनीति कारोबार और बिजनेस के लिए नहीं करता हूं, राजनीति इबादत पूजा करता हूं। 22 साल से राजनीति कर रहा हूं, कोई माई का नाम बोल दे आज तक, कोई डीलर बोल दे, कोई आदमी बोल दे कि मैं आज तक किसी से 5 रुपया भी ब्लैकमेल करके ले आओ, पैसा चाहिए पार्टी चलाने के लिए, चाहिए कि ना पैसे की पार्टी चलती है, लेकिन मैं पैसा कोई बिल्डिंग को आरबीआई निकाल के उसका माला गलत बना हुआ है उसकी ये तकलीफ है वो दिखाकर ब्लैकमेल करके पैसा नहीं लेता। आज तक मैंने 1 रुपया पूर्व मंत्री साहब कमीशन का नहीं खाया है, मैं 6 साल तक राज्यसभा में रहा हूं, मैं 2 बार एमएलए बना हूं, मुझे 1 रुपया राजनीति से फायदा नहीं है। मैं अपना पैसे कमाकर अपने घर का अपनी गाड़ी कमाई का पैसा ले जाकर के गोंडी में उन गरीबों को जिनके पास खाने को नहीं है, उन गरीबों को जिनके पास दवा नहीं है, मेरी हैसियत के मुताबिक मैं उनकी मदद करने की कोशिश करता हूं। मैंने उलमाए कराम से सुना है, मैंने पढ़ा है किताबों में कि अगर सुबह से शाम तक किसी एक मुफ्ली से किसी जरूरतमंद के लिए आप अगर उसकी सिर्फ सिफारिश किसी से कर दोगे तो अल्लाह ताला आपको जन्नत में इसके बदले जगह देगा, इसी में राजनीति करता हूं और कोई वजह नहीं है। सुबह से शाम, शाम से रात तक भागता हूं, लाता हूं लोगों को, यहां जो एक दूसरे नेता बहुत बड़े बने फिरते हैं घड़ी लेकर चल रहे हैं, अरे अम्मा घड़िया तो आज तक चली नहीं कभी, जब से बनी सारी 10 के 15 मिनट नहीं हुआ आज तक लगनी है, अरे अम्मा अभी आपसे बात करता हूं थोड़ा तो रुक जाओ, घड़ी आज तक चली नहीं। मुझे याद है कि मैं कुर्ला में आकर एक खबर पट्टी में जाकर के ऑटो की भीख मांगा था, पैर भार दमन फैला फैला के मांगा था,
مجھے جتا دو. اور خدا کی قسم ہر من پر چلا چلا کر کہا تھا کبھی امواسی ملنے کا ٹکٹ نہیں لے گا, کبھی بھی امواسی ووٹ نہیں مانگے گا, اپنے بھائیوں کو آگے بڑھاؤں گا, پیچھے کھڑا ہوگا تو ان کی ضلع بات کروں گا اور ملت میں دبے کچلے کو حق دلانے کی کوشش کروں گا. کتنے کمزور ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں, کتنے کمزور ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں, جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. دوستو ساتھیو, یہ راجنیتی لوگوں کو مدد کرنے کا ہے. بڑا شاعری ہو رہی ہے ارے بھائی, نہ آج میں کر رہی ہے. کتنے کمزور ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں, سارا پہلے اتنا بڑا رہتا ہے, سارا اتنا ہو جاتا ہے. کتنے کمزور ہیں یہ غبارے چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں, جب کمینے عروج پاتے ہیں اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. کبھی زندگی میں نہیں ووٹ مانگتا اپنے لیے, خدا کی قسم. ابو واسم کے پریوار میں کوئی پردھان بھی نہیں بنا کبھی. لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کے آنسو پوچھنا مجھے اچھا لگتا ہے. قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو لوگ جن کا کام کرتا ہوں فرن کرتے ہیں, آصف بھائی آپ کے لیے پھول لے کر آ رہا ہوں, آپ نے بہت بڑا کام کر دیا. میں نے کہا پلیز ڈونٹ ویسٹ مائی ٹائم, دعا کرو گھر میں رہو مت آؤ, نیکی کر دریا میں ڈال, کام کر دو. وہ آدمی گالی دے تو بھی چلے گا, لیکن آگے بڑھتے رہو, آگے بڑھتے رہو اور کام کرتے رہو. یہ آدواسی کا کام ہے. آج ملائم سنگھ یادو نے خدا کی قسم بچوں کی قسم کھا کے دونوں بلایا مجھے. اکھلیش یادو, ملائم سنگھ یادو, شیوپال یادو, رام گوپال یادو, بلا کا گھر میں بٹھایا, کہا کہ سائن کر راشٹر میں جا. میں نے کہا سر میں ایم ایل اے ہوں مہاراشٹر میں, آپ بھول گئے کیا؟ کہا معلوم ہے, سائن کر راشٹر میں جا. میں نے کہا ہاتھ جوڑتا ہوں, مجھے مت بھیجیے راج سبھا, یہ مرتے ہیں راج سبھا جانے کے لیے. میں نعت مارتا ہوں راج سبھا کو. مجھے امیر امبانی نے بلایا, کہا ارے ابو واسم تم پاگل ہو گیا؟ میں نے کہا کیوں پاگل ہو گیا؟ کہا راج سبھا ٹھکرا رہا ہے. میں نے کہا تو لے لے نا, مجھے کیوں بنتا ہے, میں کیوں لے لوں؟ میں ممبئی میں رہ کر فرقہ پرستوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر لڑائی لڑنا چاہتا ہوں. میں ممبئی میں رہ کر سماج کے دبے کچلوں کی آنکھوں کا آنسو پوچھنا چاہتا ہوں. سارے سال سال سے ایم ایل اے بنا ہوں بھیا, پوچھتا ہوں گونڈے والوں سے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں, میں دیکھ کے ہنستا ہوں مسکراتا ہوں. اللہ تم کو اور بناؤ, اور بناؤ, جتنا بناتا بناؤ, صرف ایک پھول کی پنکھڑی مجھے دے دو. پھول مت دو, پھول مہنگا ہوگا شاید, ایک پنکھڑی دے دو. میں وہ لیتا نہیں ہوں کہ پچیس ہار خرید کے دے دوں گلے میں لے کے کھڑے رہو بھیا, اور مجھے کھائے ہوا ہار دے رہا ہوں. بولا بھی کوئی آگے تو پہنا دینا, نیتا جا رہا سارا ہار پہن رہے ہیں, سب پہنا رہے ہیں. پھولا ہار پھولا سارا لیتے ہیں کہ خریدا ہوا ہے؟ لکڑی ہے یہ سب, لکڑی نہیں چاہیے مجھے, مجھے اصلی چاہیے. کانٹوں کا کانٹوں کے راستے پر بٹھا دو, کانٹوں کا راستے میں کانٹے بچھا دو, پیر چھلنی ہو جا چلے گا, لیکن ابو واسم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. تم لوگ نہیں جانتے میں کیا کرنا چاہتا ہوں, آپ سے گزارش کر رہا ہوں. آپ گونڈی دیکھو سارے سات سال میں, آج دیکھو گونڈی میں ایک نمبر سے 15 نمبر روڈ پورا کا پورا بن گیا. میں ستا میں نہیں ہوں, اللہ کا کرم ہے, بنوایا میں نے. دائرہ میرے 4 نگر سیوک ہیں. آج پورے ممبئی میں کسی علاقے میں بھی اگر گونڈی جیسا میونسپلٹی کا اسکول 5 سال میں کوئی بنوایا ہو تو تھوک دینا ابو واسم کے منہ پر. 3 اسکول بنوایا گونڈی میں, 25-25 کروڑ روپیہ کا, 75,000 فٹ کا اسکول. طلبا سے لے کر ڈائریکٹر تک چیلنج ہے میرا, اگر کسی بھی اسکول میونسپلٹی کے اسکول میں ڈیجیٹل بورڈ بنا ہو اور کمپیوٹرائز بورڈ بنا کر پڑھائی میونسپلٹی کے اسکول میں ہو تو بتا دینا, میں نے میرے گونڈی میں وہ کر کے دکھایا ہے. پانی نہیں لگا تھا, میں گیا تو میں نے کبھی نہیں کہا پانی لاؤں گا. مجھے کہا آسم ابو آسم ووٹ دیں گے جب پانی لاؤ گے. میں نے کہا ماں بہن میں اتنی کوشش کروں گا پانی لانے کے لیے کہ جتنا ایک آدمی کو پانی نہ ملنے سے موت ہو جائے, گلا خشک ہو جائے, پانی کی شدت اتنی ہے کہ مر سکتا ہے, تو کتنی پانی کے لیے کوشش کرے گا ماں؟ اتنی کوشش کروں گا, لیکن وعدہ نہیں کرتا ہوں کہ کب لاؤں گا, کوشش کروں گا. جیسے چن کرایا میں نے ممبئی کے سب سے بڑے
सॉलिसिटर जनरल को पकड़ा, 5 लाख रुपए एक दिन की फीस। मैंने कहा हाईकोर्ट में पिटीशन डाल दो, पानी नहीं आ रहा मेरे इलाके में। जैसे पिटीशन गया, अल्लाह का करम, मैं तंबू में घबराहट हो गई कमिश्नर के, और पानी चालू हो गया गोरनी के अंदर। दोस्तों हालत खराब है देश के, लोग कारोबार कर रहे हैं राजनीति में। मैं इस मुल्क के अंदर अमन चैन करना चाहता हूं। मेरी पार्टी उत्तर प्रदेश में है। मुझे अच्छा लगा उस दिन जुमला अखिलेश यादव का, जिस तरह से सर सैयद अहमद खान साहब ने कहा था कि यह देश एक खूबसूरत दुल्हन है, इसकी दो सुंदर आंखें हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। अगर एक आंख भी खराब हो गई तो मेरा देश सुंदर नहीं होगा। हमें हिंदू और मुसलमान दोनों को एक साथ रख के उस देश में चलना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि अबू आसिम, मेरा उत्तर प्रदेश, मेरे उत्तर प्रदेश के दो सुंदर आंखें हैं, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दूसरी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। एक हिंदू यूनिवर्सिटी, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अखिलेश यादव चाहता है कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी चले और हिंदू यूनिवर्सिटी भी चले, लेकिन दिल्ली में बैठा चाय बेचने वाला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बंद करवाना चाहता है, मुसलमानों को यहां से छीन लेना चाहता है। ये लड़ाई कौन लड़ेगा? ये लड़ाई हम लड़ेंगे। हम आए आपके बीच में आज, आपको यकीन दिलाते हैं गटर सड़क से लेकर दिल्ली तक की लड़ाई समाजवादी पार्टी लड़ने को तैयार है। मुझे बहुत अच्छा लगा भाई साहब, एक दिन मुझे अमेरिका से फोन आया, कहा भाई साहब मैं मेरी हसन बोल रहा हूँ, मैं अमेरिका में रहता हूँ, टेलीविजन पर अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को सपोर्ट देता रहता हूँ, अखिलेश यादव से मेरी मुलाकात तो नहीं है लेकिन एक मैसेज पहुंचा देना। मैंने कहा क्या? कह देना कि अखिलेश यादव, हिंदुस्तान का फ्यूचर तेरे साथ जुड़ा हुआ है। कह देना कि मैं टेलीविजन पर बातें सुनता हूं, अगर उत्तर, अगर देश का प्रधानमंत्री कोई बनने के काबिल है आज तो अखिलेश यादव है। चंद दिनों में, चंद सालों में दिल्ली की गद्दी पर अखिलेश यादव बैठेगा। ये जन जन की पुकार हो गई है। नगर सेवक तो छोटी चीज है, आइए साथ जमा हो जाइए। नगर सेवक का इलेक्शन हो, एमएलए का हो, एमपी का हो, जो भी हो, ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी के साथ आएगी। गुजारिश कर रहा हूं आप लोगों से, मेरी पार्टी में एक ही मंत्री था, मिनिस्टर बनाया था समाजवादी पार्टी ने। मलाड के अंदर एक मस्जिद की दीवार टूट गई है और दीवार नहीं बन रही है। मुझे तमाम लोगों ने मलाड के आकर कहा, असलम जो मिले आज मुझे कहा, आसिम भाई हम लोग पूरे बंबई में थक चुके हैं इस दीवार को बनाने के लिए, सरकार बनने नहीं देती। मैंने कहा लॉक कौन से नहीं बनने देती। मेरे 22 नगर सेवक थे, मैंने मलाड में जाकर के बहुत जबरदस्त तरीके से आंदोलन किया और मुझे परमिशन मिल गया दीवार बनाने का। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने मस्जिद के ट्रस्टियों को कहा बनाओ दीवार। जब मस्जिद की ट्रस्टी दीवार बनाने गए तो सूचना वाली एक महिला है, 20-25 महिलाओं को लाकर वहां पर झगड़ा शुरू कर दी, ये दीवार नहीं बनने देंगे। अरे परमिशन मिला है, मस्जिद ट्रस्टी है, रजिस्टर्ड है, क्यों नहीं बनने देगी? कहा नहीं बनने देंगे। पुलिस आ गए, रोक दी। 10-15 दिन के बाद कहा कि हम बनने देंगे, आपको सिक्योरिटी देंगे, पुलिस ने कहा तब बनाइएगा। 15 दिन इंतजार किया, फिर 15 दिन के बाद गया कि भाई सिक्योरिटी दो, हमारा परमिशन है दीवार बनाना है। कहा 4 दिन और रुक जाओ। फिर 4 दिन बाद गए तो कहा कि आपका परमिशन कैंसिल करते हैं क्योंकि वहां के लोकल लोग आपकी मस्जिद की दीवार नहीं बनने देना चाहते, झगड़ा लड़ाई हो जाएगी, खून खराबा हो जाएगा, लाल आदर की सिचुएशन खराब है, इसलिए मस्जिद की दीवार नहीं बन सकती। बोलिए क्या इस मुल्क में ये कानून चलेगा? तब मैंने कहा मैं फिर धरना दूंगा और मैंने मलाड पुलिस स्टेशन के सामने मालोनी में धरना दिया। मुझे पुलिस ने अरेस्ट किया, 88 लोगों को पुलिस लेकर गई बोरेवली कोर्ट में। जज साहब ने कहा कि अबू आजमी और 88 लोगों को 2,000 की जमानत पर छोड़ा जाता है। मैंने कहा जज साहब पैसा नहीं मेरे पास, कहा कि जेल जाना पड़ेगा, मैं बोला तैयार हूं। लगा चली भेज दो जेल, मैं चला गया जेल। 8 दिन जेल में रहा मैं, और मैं जेल में था, मेरे लोग बंबई में आंदोलन कर रहे थे। मेरा मंत्री बनाया हुआ इसी इलाके का रहने वाला, उसने अखबार में बयान दिया कि अनुवासिम राजनीति कर रहा है। कमिश्नर 3 दिन बाद बाउंड्री का परमिशन देके बनवाने वाला था, लेकिन अनुवासिम झूठ बोलता है, ये सिर्फ राजनीति कर रहा है, राजनीति करके मुसलमानों में तो भड़का रहा है। मेरा मंत्री
अनुवासी मेरा बाप है, चलो थोड़ा बड़ा बुरा बाप बना दिया, क्या करता मैं। बहुत मजबूत आदमी आ रहे हैं, ताली बजाओ, बहुत मजबूत में नहीं है ये। हाँ आसिफ भाई सिद्दीकी, जरूर समझना नहीं पाती कैसे मजबूत मजबूत लोग हैं, अरे गिर जाएंगे सारे मर जाएंगे, है ना। आइए आसिफ भाई आइए, मैं अपनी बात खत्म करूं, बात सुनिए। उसके बाद मैं जेल में 8 दिन तक था। 8वें दिन मौलाना अब्दुल कुद्दूस कश्मीरी साहब, एक मशहूर मौलाना, जमात इस्लामी के मौलाना, जमात उलमा के मौलाना, 15 मौलाना रात को जेल में आए। 8 बजे जेलर ने बुलाया मुझे, कहा कि जेल से बाहर निकलो। 3 दिन के बाद फोन करने कहा दीवार बन जाएगी, मैंने कहा नहीं निकलूंगा, पहले दीवार बनवा फिर निकलूंगा। कहा नहीं निकलो, हमारी गारंटी है, निकलो दीवार बनेगी। मैंने उनके बोलने पर जमानत किया, बाहर निकल कर आया। आज 12 साल हो गया दीवार नहीं बनी, आज तक नहीं बनी। मेरा बनाया मंत्री कहता है कि अभिवासी राजनीति कर रहा है, मैंने नेताजी से बोला, नेताजी बोले पानी से निकाल दे, मैंने इसको पानी से भगा दिया। जब मैंने 5 बजे बंद कर दिया, छुट्टी हो गई। तो मैं सम्मान के लिए काम करता हूँ, जब मंत्री को निकाल सकता हूँ कि मेरा टेलीफोन जो ना उठाए, जो मेरे पार्टी का विरोध करे, जो मेरी पार्टी का हाउस के अंदर मेरे लोगों का विरोध करे, मैं ऐसे लोगों को लाश मार के भगा दिया। जीतू या ना जीतू लेकिन सम्मान के साथ रहूंगा। आज गुजारिश करता हूं आपसे कि आप अपने आगे के विकास के लिए आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। हमारे पूर्व मंत्री साहब पढ़े लिखे आदमी है, जब मैं जेल से छूट के आया था 1992 में, 94 में जब टाटा से लोग डरते थे, तो ये मर्द आदमी इसने जबरदस्त तरीके से बयान दिया था टाटा के और लोगों के, इसलिए मैं इसका एहसान मान लिया। एक ही आदमी था मुंबई में, उस वक्त सबके तंबू में घबराहट थी, ये आदमी खुल करके बोला सरकार के खिलाफ और टाटा कानून के खिलाफ, मैं इसकी इज्जत करता हूं। क्या हुआ ऐसा प्रश्न करेंगे ना भैया, ये क्या वास्ते, अरे जाओ मध्य ऐसा ना जाएंगे, आज यहाँ कर लूंगा परसों हुआ नहीं भगा आपके, अभी यहाँ गए ना, ये आगे लेना उनके भगा आएंगे जीता हुआ, पहले वाला कैंसिल, अब ये है ना इनको जिताना है। हाँ जिंदाबाद भैया, जो सफर अख्तियार करते हैं वही दरिया से पार करते हैं, चल के भी देखो मुसाफिर का रास्ते इंतजार करते हैं। दोस्तों पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार है, उसको जिताइए। अब मैं एक बात बोलूंगा, हमारे ये आइए भैया नहीं, ये हमारे भाई आसिफ सिद्दीकी साहब बहुत बड़े आदमी है, व्यापारी आदमी है। ये पिछले 5 साल पहले, 2.5 साल पहले चले गए थे बीएसपी में लड़े हैं सर, जाकर के मायावती के पास पार्टी में। अब इन्होंने देख लिया कि मायावती बढ़ती है कुर्सी पर, इनको बोलती हूँ नीचे बैठे वाला बात लात मार दिया इन्होंने, अभी मेरे साथ आए हैं। आसिफ सिद्दीकी साहब समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, ये प्रतापगढ़ जिले के रहने वाले बहुत बहादुर मजबूत आदमी है, बहुत बड़े व्यापारी है। ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, आप इनकी बात सुनिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाई अभी भी दूर रहेंगे तो काम कैसे चलेगा, थोड़ा सा करीब आ जाए, आप लोग थोड़ा सा करीब आ जाए।